तमाम दर्शकों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा वर्तमान जो हम मैच देखेंगे ये है सेकंड राउंड का पहला मैच। सेकंड राउंड का पहला मैच आप जिस टीम को देख रहे हैं स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं हर साल के तरह साल में एक बेहतरीन टूर्नामेंट जीत थी और कई अच्छे अच्छे टीमों को इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। खेल गई है दूसरा बात है दूसरा पहलू है एक टीम की जीत होगी तो दूसरी टीम के हार होगी। इसी तरह मैच को अपने नाम दबदबा बनाने के बीच में एक बेहतरीन मुकाबला जो होने वाली है जिस प्रकार से आपको सूचना प्रदान की गई है। सबसे पहले मैं कमेटी के तमाम सीनियर मेंबर नौजवान साथियों को थैंक यू कहना चाहूंगा जिनके द्वारा बेहतरीन लाभ आ रहा है। टूर्नामेंट तमाम दर्शकों को उत्साहित करने के लिए लाभार्थ टूर्नामेंट का हो तो गलत नहीं होगा जिनके नेतृत्व में बेहतरीन टूर्नामेंट की आभार की गई है। तो फिलहाल जो मैच होने वाली ग्रुप है के नाम का पहला मैच है के पास एमटीसी बर्मीता होगी ब्लू और ब्लैक कलर की पोशाक में नजर आएंगे और हल्की व्हाइट और डीप है ग्रे कलर के जैसे नजर आएंगे वही तरह है सिंपोरी। सेकंड राउंड का पहला मैच पहला राउंड का मैच खेलने के बाद नाबार्ड के दोनों दल के खिलाड़ी पूरी तरीके से समझ चुके हैं जज कर चुके हैं देखना होगा वर्तमान का मैच दोनों के बीच में गया क्योंकि बड़ा मैच है हर मैच को सीरियसली लेना होगा एक छोटी छोटी गलतियां आपको इस टूर्नामेंट से बाहर करा सकती है और दोनों ही खिलाड़ी के बात कर रहा है नौजवान खिलाड़ी है उनके पास है अनुभव की पूरी क्षमता में हर मैदान में खेल चुके हैं और जहाँ तक मेरा मानना है हर एक मैच एक नया मैच होती है और इस मैच को संचालन करेंगे चर्चित रेफरी काफी सालों बाद उनके साथ आज मुलाकात हुई है जो कि मिस्टर है डीके सर जी अपने अपने पोजीशन पर डीके के जवाब क्या जाएंगे काफी के चर्चित रेफरी है फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ ओडिशा और अपनी हम बात ये मैच की पहली कॉपी स्टेडी पहला टच करने का मौका वाइट कलर की ब्लैक और येलो कलर के जो सिफर बड़ी मिता के टीम देखना होगा शुरुआती दौर में मैच को थोड़ी सी धीमी अंदाज में आवाज किए हैं इस बार लंबा पास अपने स्टॉपर जश्न कर रहे हैं सत्रह के लिए लगभग हाफ एलान को पार करने बाद अच्छी नियंत्रण विपक्षी टीम की ओर से छीनने की कोशिश करता हुआ एक देखना होगा उनके पास गति है जश्न के पास कमाल के यहाँ पर बहुत कुछ छीनने का नाम जरूर के लिए इस बार है असिस्टेंट रेफरी टू के बाद क्या रहा उन्होंने इंडिकेट दिया है क्योंकि बोल है जांच भी दिखा चला से बाहर चला है क्लास में कोहली लगा फिर भी करे बाहर सात आठ खोल हुई है जोरी आता था कोई भी खिलाड़ी सामने नहीं लेकिन जो सिर्फ सात है वो को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करता हुआ अच्छी कंट्रोल है लेकिन लाजवाब है डिफेंसिव डिफेंसिव टीम की ओर से देखने को मिली है बोगे का चला से बाहर जनरेटर होते हैं जो कि युद्ध है उसे रवाना करते हैं आप कर सकते हैं तो हासिल करवाएंगे